वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जाने पर, देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो रमजान के महीने में प्राइसिंग चल रही है उसका कंपैरिजन दिखाया जाए भारत और पाकिस्तान का। अभी हम जा रहे हैं रमजान की जो मार्केट लगती है वहां पर लोग खरीदारी करते हैं कपड़ों के, खाने की चीज़ों की, तो और जो सब्जियाँ होती हैं उनकी, तो सारी चीज़ों के जो प्राइस हैं वो हम आपको इंडियन में यहाँ पर लोग बताएंगे, उसको हम कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तानी रुपये में भी दिखा देंगे, जिससे आपको पता चल सके कहाँ पर चीज़ें महंगी हैं कहाँ पर सस्ती हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं मार्केट। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर जो एक रमज़ान की मार्केट लगती है, आज जो है इनकी नमाज़ थी उसके बाद में बहुत बड़ी मार्केट लगी हुई है और यहाँ के हम आपको प्राइसिंग दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यहाँ पर क्या प्राइसिंग चल रही है, कुछ महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, उसको लेकर जो है वीडियो बनाएं, तो हम आप वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं इन भाई साहब से, क्या नाम है? मोहम्मद साद। क्या जिसे दे रहे हो भाई? ये 70 रुपए किलो दे रहे। अच्छा, और वो तो बता रहे थे 60 रुपए किलो, तो 60 रुपए में कह रहे हैं कुछ? तो एक ही रेट रही है, 60 रुपए भी बिक रही है। 60 में ये कच्ची वाली बिक रही है। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है, ये भुनी हुई है, ये कच्ची है बस। अच्छा, तो ये बताओ पिछले साल जो प्राइस थे वो सेम है कि कुछ आगे बढ़ गए हैं? प्राइस सेम है। सेम प्राइस? हाँ सेम प्राइस। कम नहीं हुए? नहीं कम नहीं हुए। कम करना चाहिए यार, रमजान चल रहे हैं तो कुछ फायदा कम लो, समझे? 2 रुपए घटा के बेचो। क्या नाम? अच्छा, इलियास। अच्छा, एक ही दुकान है जी हमारी। और ये कौन रखा हुआ? अच्छा भाई, क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। कैसे दे रहे हो, सब बताओ एक करके प्राइस। 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। 50 रुपए किलो ये जी। और 20 में तरबूज। अच्छा, और ये क्या? स्ट्रॉबेरी। 50 की दो है। 50 की 2 जी। एक में कितना होता है? एक में कितने मतलब ग्राम होता है? जो हो 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम, जो भी हो। तरबूज जो है वो 20 रुपए किलो है, ये 25 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो खरबूजा। और इसके अलावा ये जो पैकेट है ये आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के स्ट्रॉबेरी हैं और ये आपको 50 रुपए में 2 पैकेट मिल जाएंगे। तो ये जो प्राइसिंग है जो पिछली बार था उससे जो है सस्ता हुआ है कि महंगा हुआ है? जी वही रेट है भाई, सस्ता नहीं हुआ। अच्छा चलिए, धन्यवाद। सरफराज, बाडू होटल, होटल का नाम है। बहुत पुराना होटल है। बहुत पुराना होटल है, कम से कम हो गए मेरे ख्याल 80 साल। रेट कितने पुराने, कितने साल? ये 5 रुपए का है, करीब जो है 15 साल से 5 रुपए का है। 15 साल से 5 रुपए? नहीं, तब 10 के 3 थे। अच्छा, ये कितने का है? 5 रुपए का। और वो ब्रेड पकौड़ा? 10 रुपए का। अच्छा, ये अभी चिकन समोसा बनना है वो कितने का? 10 रुपए का। 10 रुपए का ही पीस, 50 रुपए का। ये मीठे बेवे ले बड़े बहुत बिक्री के होते हैं, ये 50 रुपए के 5 डिब्बे में। 5 डिब्बे में मतलब 50 रुपए, 10 रुपए का एक है ना जी। ये कैसे दे रहे हैं? ये नमकीन है, 10 रुपए पीस है, करीब लगभग होता है 80-90 ग्राम। 80-90 ग्राम जी। और जो यहाँ से लोग कुलचा है जी और बिरयानी बनती है हमारे वहाँ। बिरयानी कैसे रहते हैं? बिरयानी 50 रुपए की आप हुई है। और जो मटन कुलचा है? मटन कुलचा है, मटन कुलचा नहीं भैया, ढक्कन रखो उसमें, वो 20 रुपए के चार। 20 रुपए के जी चार। सर, तो इस बार को रेट बढ़े हैं कि मतलब सब वैसे ही चल रहा है जैसे पिछली बार? वैसे ही चल रहा है जी। जी, लोग खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। फायदा हो रहा है जी? फायदा भी हो रहा है, नुकसान में बेच रहे हैं? नुकसान कुछ नहीं हो रहा, सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। सरकार कहाँ पैसा देगी यार, मेहनत करके पैसा कमा रहे सरकार का क्या है? मतलब काम वाम बढ़िया चल रहा है, मतलब परेशानी कोई नहीं है। महंगा तो नहीं किया ये पिछले साल से? अरे महंगा कहाँ कर रहे हैं, महंगा कर दिए पता। हमसे बोल रहे 10 साल से समोसा 5 रुपए बेच रहे हैं, सही बोल रहे? 5 रुपए का समोसा? नहीं नहीं, 5 ही का। क्या नाम है? नसीम खान। अच्छा भाई, ये कौन सा स्टॉल है आपका, ये दुकान है आपकी? नहीं जी, हमारी दुकान है। अच्छा जी, तो क्या है ये, क्या है मतलब? सूट है, लेडीज सूट है ये। क्या प्राइसिंग में? 250 रुपए। थोड़ा खोल के दिखाइए। ये दुपट्टा होता है इसका जी जी, और ये जंपल का कपड़ा होता है इसका। ये पैंट बनाना चाहें
ये सलवार बनाना चाहें सलवार बना सकते हैं, पैंट बनाना चाहें। तो ये बताइए जो पिछले बार प्राइस थे वही है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए? नहीं, रेट वही होता है, कम में होता है, हाँ कि 10-5 रुपए का मामला होता है बाकी से। रमजान की वजह से कोई महंगाई बढ़ गई हो कि मतलब? कोई मामला नहीं है, महंगाई जो है तो है। नहीं मतलब आप जैसे रोजा है जी, तो रोजा के टाइम जो रमजान आया उस टाइम क्या किसी चीजों के सामान के ज्यादा जो है? नहीं, कुछ चीजों के तो पैसे जैसे बढ़े हुए हैं मार्केट में, जैसे रेडीमेड के कुछ पैसे बढ़े हुए हैं। अच्छा, वो थोड़ा बहुत जी 1-2% का थोड़ा सा होता है, बाकी डबल तो नहीं हुए? नहीं, डबल का कोई जो चल रहा है तो सबको पता ही है कि क्या है कैसे नहीं है। 10 रुपया 3 खीरे। अच्छा, 10 के 5। ये बताओ अगर 6 खीरे वेट करोगे तो कितना होगा, 1 किलो हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। कितने किलो? 1 किलो 8 आएंगे। 8 मतलब 22-23 रुपए। हाँ, 25 रुपए के 1 किलो मान लो। 25 का 1 किलो। और ये जो लोग हैं खरीद रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं कि तुम 6 बहुत महंगा बेच रहे हो तुम 8 दो? नहीं 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 कह रहे हैं। क्यों भैया, महंगा बेच रहे हैं सस्ता बेच रहे? नहीं, रेट सही बेच रहे हैं। ये बताओ जो सामान के रेट पिछली बार थे वही है कि कुछ बढ़ गए हैं? वही रेट हैं, बड़े बड़े कुछ नहीं है, सब वही रेट है। तो चले जा रहे हैं आप, रेट बताते चले। ये 14 की 100 ग्राम, 10 का 2 समोसा, 2 समोसा बढ़िया क्वालिटी के 5 रुपए का 1 दे रहे हैं, ठीक है। और ये 35 का 250, ये तौल का आइटम है सब, 35 का 250। ये 10 का 2 समोसा, वो भी 35 का 250 ग्राम, ये 10 रुपए की है, ये 10 रुपए की है, 20 की 4। 20 रुपए की 4 पूरी सब्जी के साथ में? अच्छा, ये 10 का 1 है, वो भी 10 का 1 है। तो मतलब लोग खरीद रहे हैं, कोई शिकायत उकात तो नहीं कर रहे कि बहुत महंगा भेज रहे हो? आराम से खरीदने, कोई शिकायत का मौका नहीं है जी। धन्यवाद, शुक्रिया। कैसे तरबूज दे रहे हो? ये 25 रुपए किलो बेच रहे हैं। वो पीछे 20 रुपए में बताया है यार, यही वाला तुम 25 में बताया, जो कस्टमर को देते हो वो बताओ, मतलब 20 तक दे देते हो? हाँ, दे देते हैं। ये 50 रुपए किलो। अच्छा, लास्ट रेट क्या देते हो? 40 रुपए किलो रेट। 40 किलो। ये क्या है? ये पापड़ है भाई। क्या रेट है? ये 25 रुपए 250 ग्राम, मतलब 100 रुपए किलो, मतलब 90-90 तक दे देते हो, 5 रुपए कम करके, है ना। और ये 20 रुपए का 250 ग्राम बेच रहे हैं, 70 का 1 किलो दे देते हैं। 70 का 1 किलो। तो लोग कह तो नहीं रहे हैं कि मतलब महंगा महंगा हो गया है बहुत? महंगा नहीं, यही बताते हैं, मतलब यही पिछले साल से बेच रहे हो? कितने साल से यही बेच रहे हो यही रेट में? लगभग 3 साल से बेच रहे हैं। 3 साल से यही रेट है, बढ़े नहीं है, घटे हैं क्या? घटे नहीं है, मतलब यही रेट आता है, महंगा हो जाता है। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है भाई, क्या नाम है? सलमान खान। रघु। रघु। हाँ रघु भाई, ये बताओ ये कैसे दे रहे हो? 100 रुपए की। 100 रुपए की है? 100 रुपए की नई पैंट? नई पैंट। इतनी सस्ती कहाँ के लिए बेच रहे हो? लुलू मॉल की। इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हो? घर से बेच रहे हो क्या? ये यार रहे हैं, हमको मिल रहे हैं। अच्छा, 80 रुपए के लाए हो? 80 रुपए ला, 100 रुपए की बेच रहे हैं। तो इतना कम फायदा क्यों ले रहे हो? हम तो अमीर की खुशी में फायदा ले रहे हैं कि 20 रुपए हमको मिले, पब्लिक का फायदा। तो चलिए, धन्यवाद। लोग खरीद रहे हैं? लोग बहुत लोग खरीद रहे हैं, ज्यादा ज्यादा। तो ये बताओ क्या चल रहा है इसका? ये बताइए, ये खजूर का डब्बा 120 रुपए का है। अच्छा, ये खजूर का डब्बा 120 रुपए का, ये आले 100 रुपए किलो। ये आले 160 रुपए किलो। जो पिछली बार रेट चल रहे थे वही हैं कि बढ़े हैं? नहीं बढ़े नहीं है, उससे घटे हुए हैं कुछ। कुछ में घटे, कौन सा घटा हुआ है? ये सब घटे हुए, 120 वाली 100 रुपए में हो गई। हाँ, ये वाली जो 200 में थी 160 में हो गई। कैसे रमजान चल रहे हैं? अच्छा चल रहे हैं रमजान। महंगाई बढ़ी बहुत कुछ? 19-20 हुआ, कुछ चीजों में बढ़ गया होगा, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही भाई। किसी में घटा है, किसी में बढ़ा है। रमजान कैसे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहे हैं भाई। और अलविदा की नमाज कैसे हुई? बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह। क्या बेच रहे हो? अनार। अनार। क्या रेट है? सबका 150। बढ़िया अनार है, एक नंबर। लेके जाता तो कहता होगा बहुत खराब। सब तुम बल्डिया मार के बढ़िया ले रहे हैं? अच्छा, कैसे दे रहे हैं? महंगा तो नहीं? नहीं, ये बाजार के हिसाब से बहुत सही रेट में मिल रहा है, अनेड में तो महंगा मिलता है ये। क्या बेच रहे हो? अच्छा सर, ये बेल्ट बेच रहे हैं। कितने की एक बेल्ट है? 50 रुपए की सर। 50 रुपए जी। ये बढ़िया है, मजबूत रहेगी, ऐसा तो नहीं टूट जाएगी? नहीं, अपने ये 4-5 महीने चलती है, हर आदमी बहुत ही आराम से ले लेता है। 50 रुपए का सौदा है सर, बहुत ही आराम से नॉर्मल आदमी ले सकता है ये। अच्छा जी, इसमें कुछ कम कर दे तो मान लो, कहता 40 का दे दो तो? 45 की भी दे देते दे। सर गाड़ी चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए सर। गाड़ी चल रही कि नहीं चल रही? दौड़ रही है सर। चलिए, ऊपर वाले का शुक्र मालिक का रहे। रमजान बढ़िया चल रहे हैं? बहुत ही अच्छे, अल्लाह का शुक्र मालिक का। धन्यवाद, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं जी। इसमें आइटम देखिए आप। अच्छा, क्या नाम है भाई? नाम बताइए आप ही, जिसे हमें मिली आप। अच्छा, नाम का दुकानदारी का टाइम है? अरे अब्दुल लतीफ। ये सब आइटम 10 का 10 रुपए का कोई भी आइटम? कोई भी आइटम। महंगा तो नहीं लग रहा?
दस रुपए में महंगा लग रहा है। अच्छा ये बताओ, जैसे 10 रुपए बताते हो तो औरतें आती है, वो नहीं कहती 8 रुपए ले लो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहती, नहीं कहती उनको पता में मिलेगा कहीं नहीं। अच्छा तो ये सारा आइटम अशोक के मसाले आपको मिल जाएंगे? सब सारा आइटम 10 रुपए का, 10 जी मिल जाएगा। हर चीज है जी जी। तो आपको फायदा होता है इसमें? फायदा चल रहा है, फायदा चल रहा है बस। चलिए इसमें अगर बच्चों के लिए देखा जाए तो ये कम्फर्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, समझे? इसमें सारा कुछ घर का मिलेगा, मसाले मिल जाएंगे, बच्चों को भी आइटम मिल जाएगा, है ना? और अगर रोजा वगैरह खोलने के लिए कुछ अगर आपको चाहिए मसाले वसाले तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और मात्र 10 रुपए में। 150 का है, 100 का है, बस 150-100 रुपए कम कर देते हो कि एकदम फिक्स प्राइस? कम कर देते, कम कर देते। चलिए धन्यवाद। क्या नाम भाई, क्या नाम? अच्छा अरे ये बताओ तो, रमजान रमजान कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया चल रहा है ना, यही तो पूछना था। क्या नाम है भाई, नाम बताओ यार, इधर आओ पहले यार। क्या नाम है? मोहम्मद शकील। ये बताओ पहले क्या रेट? ये लहसुन 80 रुपए किलो, ये मिर्च 80 रुपए किलो, 40 का आधा किलो। अच्छा हाँ, महंगाई तो नहीं बढ़ी है? नहीं नहीं ठीक सही है प्राइस वगैरह जी? अब तो महंगा ठीक है, ठीक है। रोजा बढ़िया चल रहा है? हाँ चल रहे हैं। धन्यवाद। नमाज कैसे हुई? हाँ सही हुई, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था? हाँ बिल्कुल थी, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया थी। चलिए धन्यवाद। मोहम्मद जिलानी। क्या रेट दे रहे हो सेवैया? ये 70 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो है, ये 120 रुपए किलो है, ये 60 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो है, ये एक डिब्बा 120 रुपए का है। कितने किलो का है? 1 किलो का है। तो लोग ले रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं बहुत महंगा बेच रहे हो? ले रहे हैं, पिछले साल रेट थे उससे बढ़े हैं कि वही प्राइस चल रहा है? नहीं वही रेट है। धन्यवाद। कैसा चल रहा रमजान? बढ़िया चल रहे। क्या बेच रहे हैं भाई जान आप? क्या नाम है? मोहम्मद अनस। कितने कितने रुपए बेच रहे हैं? ये इसमें 50 रुपए का, 100 रुपए का है, 150 रुपए, 50 रुपए लास्ट को मिल जाएगा ये 50। अच्छी क्वालिटी होता है? नहीं ये जैसे रेट वैसे। 60 वाला अच्छा होता है? 60 वाला, 70, 100 जितने उतने जाएगा उतने अच्छी वैरायटी। कम से कम कितने का है? बस 50 रुपए से शुरुआत है। कोई बार्गेनिंग करता तो 45 भी कर देते कि 50 पर कर लेते जी। क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद। जाहिद चाहिए बताओ, ये कैसे दे रहे हो? ये 120 रुपए किलो। और वो? एक ही रेट का है सारा आइटम? नहीं ये 80 रुपए किलो है। और वो? ये 120 में है, ये 100 में है, वो वाला 80 में है। तो लोग खरीद रहे हैं? हम लोग खुद बना के बेच रहे हैं। अच्छा, बेकरी है? साल का साल इसी तरह बिक रहा है। तो जो आप खुद बनाते हैं तो रमजान में थोड़ा प्राइस कम रखा करिए? थोड़ा हो जाता है मामला, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही रेट से बिके। अभी बड़ी फजीलत का दिन जुमा है और मोल तोल करना सुन्नत रसूल है हमारे इस्लाम में, तो बेहतर है कि अगर कोई कहता है तो 2-4-5 रुपए कम कर देते हैं कि हाँ चलो कोई आया है, इसमें कोई वो नहीं है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? क्या नाम है भाई? मोहम्मद सर। नाम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। महंगाई होंगे? मैं ठीक है, मतलब पहले जैसा ही भाई। क्या रेट है आपका? 2 किलो 50 रुपए की। और अगर मान लो कोई कहे कि हम 45 देंगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? 2 किलो नहीं पड़ता, आता नहीं, क्या करें, महंगी हो चुकी है प्याज। लेकिन प्याज क्वालिटी लेकिन काफी अच्छी है, एक नंबर क्वालिटी लगते हैं। कैसे दे रहे हो ये? 150 में दो, कोई सा निकालो। 150 की दो टी शर्ट, ये मतलब बड़े के लिए कि बच्चों के? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। किस लिए? बड़ों के लिए भी, बच्चों के बच्चे, बड़ों के लिए लीजिए। 100 बड़े 100 रुपए हाँ, बच्चों वाली 150 की दो, कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर ले। और लोअर वगैरह कोई सा निकालो, 150 में दो प्योर काटन कपड़ा, ये देखिए 150 में दो। महंगा तो नहीं बेच रहे? नहीं नहीं महंगा, सही लग रहा है, सही लग रहा है यार। पीछे 150 में तीन दे रहा है, 300 में 3 दे रहा है, एक एक्स्ट्रा दे, फरवरी बना दे, दिसंबर। अच्छा ये बताओ, चलो बढ़िया रेट है, क्वालिटी भी सब अच्छी है, ये बताओ ये कैसे? 200 रुपए की पैंट, 200 रुपए में। कितने साल की एज तक के बच्चे? 12 साल की एज तक, 13 साल, और ये छोटी वाली वो 6 साल से लेके 10 साल तक है। चाहे जो लो, 200 रुपए का है और 150 में, मतलब 350 में आपका दो टी शर्ट और एक आराम से पहनिए बच्चा। अच्छा, बदल के भी पहन सकता है दूसरे दिन। बार्गेनिंग वार्गेनिंग होती है? कुछ भी नहीं, सब फिक्स रेट, सब। धन्यवाद। चिकन? चिकन जो है 200 कम हम नहीं करते कम, इस टाइम फार्म का रेट बढ़ा हुआ है ना, 150-160 बेचते थे। जो रेट पिछले साल थे वही है कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? नहीं बढ़ा हुआ है थोड़ा। कितना मतलब? 2-4-5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए किलो बढ़ा है। तो अभी कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाएगा? इस बार नॉर्मल होगा। क्या बेच रहे हो भैया? हाँ जी 250 का लाए हैं, 500 वाले आइटम,
साहब 250 रुपए का, ये ईद का ऑफर में आए हैं 250 में। महंगा तो नहीं बेच रहे हैं? कोई महंगा नहीं है, 500 का मिलेगा दुकान पे, जब मिलेगा यहाँ 250 का। लव टैप पन्नी लो जल्दी। देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी के जो बच्चों के सूट हैं वो आपको 250 में मिल जाएंगे। उसके अलावा 350 रुपये अगर आप खर्चा करेंगे तो आपको एक जीन्स दो टी शर्ट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इधर ज्वेलरी को सोना वोना दुकान लगी हुई है, कैसे दे रहे हो बताओ भाई? बहुत महंगा सर। महंगा है ना? अरे यार मजाक ना करो, क्या बताना थोड़ा। सर सब मुनासिब रेट है, कंगन 150 रुपये, पूरी मार्केट में आपको कंगन नहीं मिलेंगे, जो मिलेंगे हमारे पास एडी के कंगन। महंगे हैं कि सस्ते हैं? ये पब्लिक है, इनको जब तक इनके रेट का नहीं मिलेगा कहते रहेंगे 220 रुपए का। ये सब फॉर्मिंग मिलेगा, पीतल मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा मेरे पास 50-60 रुपए। ये काला तो नहीं? नहीं काले तो हम खुद पड़ गए, काला पड़ेगा समय से पड़ेगा, जिंदगी ठीक। ये सब मतलब भारत का ही बना हुआ? जी जी सब दिल्ली से का ये। धन्यवाद। क्या नाम? मोहम्मद वसी। कैसे दे रहे हो? 100 रुपए का लोवर। 100 रुपए का, खोल के दिखाओ। बड़ों के लिए कि बच्चों के लिए? बड़ों के लिए। बढ़िया क्वालिटी का, कितने साल तक फटेगा? नहीं ये 6 साल तक फटेगा नहीं, पहनिएगा नहीं लेकिन। अच्छा पहनने पे कितने साल? पहनने तो आपके ऊपर है, अगर इंसानों को कितना लगभग 4-5 महीने चलेगा नहीं तो फट जाएगा। एक साल चल सकता है? हाँ कायदे से पहनेंगे। क्या रेट चल रहा? जी 5 रुपए का मीठा, 5 रुपए का नमकीन, और ये जो है 15 रुपए की 100 ग्राम, ये 50 रुपए का पीस है, ये शाही टुकड़ा ये 50 रुपए का पीस है, ये खीर है ये 10 रुपए की पीस है, ये भी 15 रुपए का 100 ग्राम, ये 20 रुपए का एक पीस है भैया, वो कबाब 10 रुपए का एक पीस है, वो 15 रुपए की सिरमाल है। ओवरऑल जो हमको लगता रेट पिछले साल थे वही हैं, कुछ बढ़ाए क्यों नहीं? नहीं ये रोजगारे की बरकत है, ये सबको जो है इजाफा हो बस। रमजान कैसे चल रहे हैं? रमजान ठीक ठाक चल रहे हैं भैया। अच्छे नहीं चल रहे हैं क्या? नहीं नहीं चल रहे बढ़िया। फर्स्ट यार मतलब खुल के बोलो, बढ़िया चल रहे हैं भाई। आपके रमजान ठीक चल रहे हैं? नहीं मैं तो जवाब दो। हाँ बढ़िया चल रहा है। क्या रेट बेच रहे हो? 50 रुपया। ये कितने का है? सब 50 रुपए का। सब 50 रुपए? हाँ। तो वो चूड़ी? चूड़ी भी 50 रुपए। तो लोग जो पिछले साल बेच रहे तो वही रेट है कि कुछ बढ़ा के बेच रहे? पिछले साल से हाफ रेट है। हाफ रेट मतलब पिछले साल 100 रुपए का बेच रहे? हाँ पिछले साल 100 रुपए का था। सही बोल रहे हैं क्या? 100% राइट है मैडम। सही बोल रहे हैं मैडम को क्या मालूम, मैडम तो 25 रुपए का मांगेंगी। अच्छा ये बताओ ये क्या है? 200 रुपए का। क्या है ये? टॉप है। टॉप 200 रुपए जी। अच्छा क्वालिटी अच्छी होती है? दिखाओ। हाँ कपड़ा देखो कैसे बेच रहे हो? 150 रुपए का। हाँ 150 रुपए का। दिखाओ खोल दिखाओ। 150 रुपए। 150 रुपए। सब 150 के? सब 150 रुपए। चाहे जो ले कोई भी लो 150 रुपए। हाँ तो जो औरतें हैं वो कहती नहीं बहुत महंगा बेच रहे हो? नहीं वो कहती सस्ता बेच रहे हो। 150 रुपए में? अच्छा हाँ। कोई कम करने को तो नहीं कहता भाई? कोई भी नहीं, डिस्काउंट नहीं करवाते हैं। 150 ये लाड होती है ना, सट्टी बजा रहे हैं तो फिक्स प्राइस है। फिक्स ये लाड में सब फिक्स, कुछ मोल तोल नहीं होता है। पिछले साल कितने बेच रहे थे? 160 रुपए का। इस बार 150 का, 10 रुपए कम हो गए। क्वालिटी कम हो गई ना? अच्छा लागत कम हो गई, कच्ची सिलाई हो जाती है। अच्छा सब सिस्टम से माल बनवा दिया जाता है। अच्छा 150 रुपए का। थोड़ा उठा के सब बढ़िया क्वालिटी है। ये जीन्स कितने? 150 रुपए का। कितने साल के बच्चे के लिए? 10-12 साल। 10-12 साल मतलब 300 रुपए में जीन्स और टी मतलब शर्ट मिल जाए? बढ़िया क्वालिटी, अच्छी है क्वालिटी। महंगा तो नहीं लग रहा है? जी नहीं। हमको तो लग रहा है 250 में इनको देना चाहिए। कैसा है, महंगा तो नहीं है? नहीं महंगा नहीं है। पिछले साल भी यही रेट बेच रहे थे? 10 साल से पहले। 10 साल से यही रेट? यही रेट बेच रहे। क्या बेच रहे हो भैया? कैबरी टॉप। कितने रुपए? 150 का जोड़ा। 150 का मतलब दो? एक कैबरी एक टॉप। अच्छा मतलब कैबरी है और है ना 150 जी। पिछले साल भी यही रेट? यही रेट है। कितने साल से यही रेट बेच रहे? यही रेट है 10 साल से। हाँ यार ये भी 10 साल बता रहे हैं, आप भी 10 साल बता रहे हैं, मतलब 10 साल से इसका रेट ही नहीं बढ़ा है। हाँ 100 का जोड़ा चाहे जो लो, एक से बढ़कर 100 रुपए का 2 रुपट्टा है। बढ़िया से बढ़िया। बढ़िया है जी। बच्चों वाले हैं 100 रुपए के, 2 बच्चों वाले। जैसे जैसे बेचते हो वैसे बोल के दिखाओ। केवल 50, केवल 50, केवल 50, 100 रुपए के 2 निकालो। क्या बेच रहे हो बताओ? बिस्कुट। कौन सा बिस्कुट है? ये महिमा बिस्कुट है। ये 165 ग्राम। कितने रुपए? 20 रुपए। और ये 250 ग्राम। ये कितने का? 20 रुपए का।
तो पिछले साल कितने बेच रहे थे? 20 रुपए बेचे रहे। अच्छा, पिछले साल? हाँ, 20 रुपए। बढ़ा नहीं कुछ? नहीं नहीं, बढ़वा अभी कहाँ बढ़ा। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नसीम। क्या रेट दे रहे हो बताओ? सब 80 रुपए में बिक रहा है। बताओ फिर रेट वेट बताओ। 140 रुपए में। लस्सी है? लस्सी कोल्चे की? लस्सी 20 रुपए की। लस्सी 20 रुपए की। और ये 10 के 3 है ये? हाँ, 10 के 3 नहीं, कोल्चे मटर है। 10 के 3 है। चावल कैसे दे रहे हैं? थोड़ा आगे आना भाई, दिखाओ चावल क्वालिटी। 80 रुपए किलो। कितना? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। ये इनका क्वालिटी देख लो भैया, अच्छी क्वालिटी के मतलब जो भी आइटम है। और ये वाला कौन सा है जी? रोज खाने वाला, डेली 45 रुपए किलो। ये देख लो 45 रुपए किलो, मतलब ये अच्छी क्वालिटी का है। कम से कम क्या रेट में चावल है? ये अच्छी क्वालिटी का, ये 100 रुपए किलो। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बहुत ज्यादा हैरानगी हमें हो रही है। ये सबसे पहले तो बात करूंगी जो इंडियन प्राइसेस हैं, उनको बहुत ज्यादा मिनिमम प्राइसेस की हैं। और अगर मैं कंपैरिजन लगाऊं पाकिस्तान के साथ और जो रेट यहाँ पर आ रहे थे, हम भी एक दूसरे को देख रहे थे कि इन्होंने तो बहुत कम पाकिस्तानी रेट बताए हुए हैं, इतने कम तो है ही नहीं। और दो एक जो सूट था 250 का जो कह रहे थे, और पाकिस्तान में 800 कुछ रुपीज का लगाया हुआ था। यहाँ से भाई मुझे कहीं से 800 का सूट ला के दे दो, कहीं से नहीं मिलता। 2 पीस बेशक 2 पीस ही था, लेकिन नहीं मिलता। 2 पीस भी यहाँ पर जो है वो 15 to 17 इस रेंज में है। और जो अच्छे जो ब्रांड के हैं वो 2000 से अबव के शुरू होते हैं, बल्कि 2500 से अबव के शुरू होते हैं, जो नॉर्मल ब्रांड जो मतलब फिर अपर आगे ऊपर तक चलते जाते हैं। और दूसरी एक बेल्ट की प्राइस थी, वो भी बिल्कुल सेम नहीं थी। यहाँ से कोई आपको 160 का बेल्ट कहीं से भी नहीं मिलने वाला। बच्चों का भी आप बेल्ट लो ना तो 450 तक का बेल्ट मिलता है, और फिर बड़ों की बात करें तो 1000 तक का बेल्ट जो है ना, पैंट पे जो बेल्ट लगाते हैं वो मिलता है। और बाकी जितनी भी प्राइसेस थी सब में हमें थोड़ा शुबा आ रहा था, शक आ रहा था कि इन्होंने थोड़े कम रेट लिखे हुए थे पाकिस्तानी, लेकिन यहाँ पर बहुत महंगाई है भाई, इतने रेट नहीं है। इन्होंने शायद रमजान के अलावा शायद रेट लगाए हुए हैं, क्योंकि रमजान में तो प्राइसेस दुगनी होगी नहीं है हर चीज की, सब्जी से लेकर। और अभी जैसे ईद है, आप लोगों को पता है ये हमारा फेस्टिवल होता है, और यहाँ पे जो भी कोई फेस्टिवल आता है ना, यहाँ पे चीजें कम करने की बजाय बढ़ा देते हैं। और ईद की वजह से तो हर एक चीज, सूट से लेकर इवन हर चीज, क्योंकि हम जारी सी बात है हर कोई शॉपिंग करता है ईद पे, चाहे गरीब से गरीब भी होता है ना, लेकिन ईद की खुशियों में जरूर वो भी शामिल होता है। पूरे साल के जिन्होंने जो पूरे साल में कपड़े वगैरह नहीं खरीदते वो ईद पे खरीदते हैं कि चलो हम ईद पे खरीद लेंगे, बाद में भी काम आएंगे। तो वो ये लोग इतनी महंगाई कर देते हैं ना कि पूरे साल की कमाई इन्होंने ही नहीं, ये पूरे महीने में ही करनी होती है, रमजान के महीने में। बाकी वीडियो अच्छी थी, और वहां की प्राइसेस को देख के वाकई बहुत हैरानगी हुई कि बहुत मिनिमम रेट थे हर चीज के। बिल्कुल, मुझे लग रहा था जो पाकिस्तानी रेट इन्होंने बताया ना, कोई 5-6 साल पुराने पहले के रेट इनको शायद मालूम है जो अब बताए हैं। चूड़ियों है वहाँ पे, चूड़ियों का एक सेट जो है 50 रुपए का था, और यहाँ से 250 से कम जो है वो आपको चूड़ियाँ मिलती नहीं है। और समोसा 10 रुपए के 3 समोसे मिल रहे थे, और यहाँ मेरे से 40 रुपए का जो आलू वाला सादा समोसा होता है वो मिलता है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है ना फर्क है रेट्स का। और स्ट्रॉबेरी के वजह 2 डब्बे कह रहे थे 50 रुपीज में, हालांकि अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है, यहाँ पे आप हर जगह स्ट्रॉबेरी नजर आएगी, लेकिन उसके रेट्स इतने हाई है ना कि बंदा कहता है यार सीजन में भी जो है वो इतनी चीज महंगी है। और कपड़े जो आम लगे हुए थे, वो मसाले वगैरह, मतलब हर चीज का रेट जो है वो डिफरेंट है। और उसके ऊपर पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को ही शर्म करनी चाहिए कि जो उनका फेस्टिवल है, ये ईद है, रमजान है, वहां पे पाकिस्तान में रहते हुए जो अभी सारे मुसलमान जो है वो इतनी महंगाई महंगाई करते हैं। और अगर आप बाहर दूसरी देख लो वो नॉन मुस्लिम है, वहां पे मुसलमानों को इतनी ज्यादा जो है वो रिहाइश दी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो तमाम पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए और शर्म करनी चाहिए। सो क्या ये था हमारा रिएक्शन, अब सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।